तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था दोस्तों, कोई भी ईयरफोन हो उसको आप ब्लूटूथ में चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ जैसा बना सकते हैं दोस्तों। ये तार खराब होने का, ये कोड खराब होने का झंझट ही कदम, वो भी कुछ मिनटों में, कभी सोचा होगा दोस्तों? तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो में बनाऊंगा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं उज्ज्वल, और उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। वैसे दोस्तों, आज क्या होने वाला आपको पता चल ही गया होगा। तो गाइज, आज आपका भाई फिर से एक आपका मनपसंद वीडियो लेकर आया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी खुश हो जाओगे, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, आपका भाई इतना मेहनत करके आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता है दोस्तों, अच्छा अच्छा वीडियो बनाता है, नॉलेजेबल वीडियो बनाता है दोस्तों। तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हो दोस्तों, कम से कम एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, एक आपसे एक अनुरोध ये भी है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर भी करो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा कोई नहीं जानते हैं, और ऐसा परेशानी तो आता ही रहता है दोस्तों, हर आदमी के पास, हर बंदा के पास जो भी यूज करता है दोस्तों, कि आपका ये खराब हो जाता है, तार खराब हो जाता है। तो इससे दोस्तों, मतलब छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, आप हर एक दूसरे को जो है वीडियो शेयर करो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों, कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, आराम से कुछ मिनट में दोस्तों बनाने के लिए खुद से सीख जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, अब जो बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने ये जो है दोस्तों, ये काट के ईयरफोन का दोस्तों ये रखा है, मैंने ये जो है काट के रखा है, देख लो आप। उसके बाद एक स्विच की जरूरत पड़ेगा दोस्तों, ये स्विच है मेरे पास, और ये किट है दोस्तों, ये ब्लूटूथ किट है दोस्तों, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिल जाएगा ये आपको। अगर नहीं मिलेगा दोस्तों, हमें कमेंट करें, जरूर मैं आपको आपका रिप्लाई करूँगा और आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, ये आपका जैक हो गया दोस्तों, क्योंकि कोई भी ब्लूटूथ बनाओगे दोस्तों, तो उसमें जो दोस्तों बैटरी तो लगेगा, ये सब जो है दोस्तों ये लगेगा। ये देख लो आप, ये बैटरी हो गया दोस्तों, ये चार्जिंग सॉकेट हो गया, स्विच हो गया, किट हो गया दोस्तों, ब्लूटूथ किट हो गया, ये ईयरफोन का कटा हुआ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये डब्बा, ये दोस्तों अब तो ये प्रचलित है दोस्तों, वैसलीन का डब्बा है दोस्तों, और इसी में दोस्तों बनाऊंगा मैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें और देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या करना है आपको, इस चार्जिंग को दोस्तों, पहले स्विच को दोस्तों, स्विच को लगा दो दोस्तों। तो स्विच लगाने से पहले दोस्तों, इसके अंदर कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, ये देख लो दोस्तों, ये किट है, थोड़ा ध्यान से देखो दोस्तों, और किट में दोस्तों क्या है ये जान देख लो आप, ये GND लिखा हुआ है दोस्तों, और ये VCC लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सप्लाई जाएगा दोस्तों 5 वोल्ट। इसमें दोस्तों जो है, ये ग्राउंड है, L आउट, R आउट दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों इसका वायर जाएगा इसमें। तो दोस्तों देखिए कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, देखो आप, इसमें दोस्तों जो है ये जैक लगेगा दोस्तों, है ना, 3500 चार्जिंग पिन का लगता है दोस्तों। तो आप इसको करके दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, आप जो है बैटरी में डायरेक्ट जोड़ देना है। अब दोस्तों, इसमें आप बड़ा भी बैटरी लगा सकते हो, इससे जो थोड़ा बड़ा आता है दोस्तों, और बैटरी आपको मिल जाएगा, बैटरी भी मिल जाएगा, स्विच सारा चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। बैटरी जो है दोस्तों, अगर आपके पास खराब ब्लूटूथ वगैरह है, तो उसके अंदर जो दोस्तों ऐसा बैटरी रहता है दोस्तों, तो आप निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका। अब क्या करना है दोस्तों, ये माइनस को दोस्तों, ये माइनस जो ग्राउंड है दोस्तों, ये ग्राउंड मतलब माइनस होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो दोस्तों आपको सोल्डिंग कर देना है, ये कर दिया मैंने, देख लो दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब एक तार को लेना है दोस्तों, जो कि अब स्विच में सोल्डिंग करना है। तो स्विच में सोल्डिंग करना है दोस्तों, तो स्विच में सोल्डिंग करने के लिए आपका ये सोल्डिंग किया मैंने, देख लो। उसके बाद दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, ये प्लस जो है दोस्तों, ये प्लस दोस्तों इसका इस सिरे पे जोड़ना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको पहले स्विच को फिट कर देते हैं दोस्तों, मैंने पहले से काट के रखा है दोस्तों, ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सावधानी से जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने जोड़ दिया है, देख लो दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो प्लस है दोस्तों, इसको जो है दोस्तों ये VCC में जोड़ देना है दोस्तों, ताकि ये स्विचिंग हो जाए। स्विच हो गया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब देखिए ऊपर वाला डब्बा है दोस्तों, इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये डाल देना है, ये डाल देना है, इसके नीचे थोड़ा बेंड कर देना है दोस्तों, ताकि आपका तार जो निकले नहीं। तो ये आपका, ये मैंने फोल्ड कर दिया दोस्तों, अब ताकि ये घिंचाएगा नहीं दोस्तों, देख रहे हैं। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दो तार हैं दोस्तों, तो दो तार को दोस्तों क्या करना है,
एक तार इसका, एक तार इसका लेके ज्वाइंट कर देना दोस्तों, जो कि हमने ज्वाइंट कर दिया है ऐसे, और एक कुछ इसको अलग, ये अलग है, समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों ज्वाइंट करके दोस्तों एक, दोनों में एक ग्राउंड निकाल देते हैं दोस्तों। तो ये जी एन डी है दोस्तों, ऑडियो बीच वाला दोस्तों, आपको दिख रहा होगा शायद, ए जी एन डी है दोस्तों, तो इसको बीच में डालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये चले गया, अब क्या करना है दोस्तों, आपका ये कोई भी किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं दोस्तों। एक ये इधर को दोस्तों जोड़ दिया ऑडियो का, और ये एक इधर जोड़ दिया दोस्तों ऑडियो का। दोस्तों इसमें जो आपका दोस्तों ये तो वायरिंग हो गया दोस्तों, अब ये आपका इसको थोड़ा फिट कर देते हैं दोस्तों। ये आपका ये हो गया, उसके बाद ये दोस्तों बैटरी में दोस्तों आप थोड़ा टेप मार देंगे ताकि स्विच में सटे नहीं दोस्तों। अगर टेप है तो आप मार सकते हैं, मेरे पास टेप है बट साइड में होगा, तत्काल आपको समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया दोस्तों, और ये आपका दोस्तों ये रहा ऐसे। अब इसको अच्छा से एडजस्ट कर लोगे दोस्तों, और ये तो हो गया दोस्तों, और ये रहा आपका ये दोस्तों। आप इसमें जो दोस्तों आप LED बल्ब भी लगा सकते हो दोस्तों, दिक्कत नहीं है, ताकि आपको इंडिकेट करेगा ऑन हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिलहाल मैंने नहीं लगाया है, अगर आप कमेंट करोगे तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं। तो दोस्तों ये रहा आपका ब्लूटूथ ईयरफोन। अब दोस्तों ये कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि कैसा बजता है, नहीं बज रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फ़ोन लेते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये फ़ोन ऑफ है दोस्तों, तो ऑन करते हैं। तो दोस्तों इसको ऑन करते हैं और ब्लूटूथ पेयर करते हैं दोस्तों। सर्च करते हैं, तो दोस्तों ये आ गया आपका। तो इसको कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों देखिए ये कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो अब जो है हम नेट खोलते हैं, यूट्यूब चला के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ओल्ड DJ सॉन्ग उन्होंने बजाया है दोस्तों, आप आवाज़ सुनते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बज रहा है दोस्तों, ये बज रहा है, और इसका आवाज़ सुना देते हैं आपको, मैं पहले सुन लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपका माइक में हल्का सा दिखा रहे हैं दोस्तों, आवाज़ जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ा के सुना देते हैं आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर तो जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाए दोस्तों जरूर कमेंट करें, ताकि आपके लिए ऐसा ऐसा यूजफुल वीडियो लाऊं दोस्तों।